हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधिका रेसिपी। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर, या फिर जिसको मिरेकल ड्रिंक भी बोल सकते हैं। उसके फायदे तो फ्रेंड्स आपको गूगल में भी मिल जाएंगे, मोर ओवर आपको मालूम ही होगा। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लाई हूँ काली गाजर की कांजी, जो मिनटों में बन जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन और बेल नोटिफिकेशन ऑल को अनेबल जरूर कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे काली गाजर की कांजी, जो मार्केट में भी इजीली मिलती है, लेकिन आज हम घर पे बनाएंगे बहुत ही हेल्दी तरीके से। और पता है इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है? ये 2 मिनट में बन जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मार्केट में इजीली मिलती है काली गाजर, मतलब सीजनल है आजकल तो वैसे भी। और वैसे भी मैं हमेशा इस चीज के फेवर में रहती हूँ, जो भी भगवान हमें सीजनल सब्जियां देते हैं हमें उसको भरपूर, मतलब उसको फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको अच्छे से छीलेंगे इस तरह से। बस इसके साथ यही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, इससे ना हाथ बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। ये देखिए, इसको हम लंबा लंबा काटेंगे, छील के पहले इसको धोएंगे, काटने के बाद नहीं धोना, क्योंकि होगा क्या, इसका जितना असर है वो सारा निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से छील के पहले धोएंगे और फिर लंबा लंबा काटेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाजर को हमने धो लिया, ये देखिए इसका कलर निकलना भी शुरू हो गया। ठीक है, इसको इस तरह से हम पहले लंबे लंबे पीसेस कर लेंगे। पता है इसके कितने सारे फायदे हैं, मतलब इसको हर बंदा पी सकता है, जिसको शुगर है वो भी, जिसको बीपी है, इवन इनफेक्ट कैंसर के लिए बहुत अच्छा है, हमारी आई साइट के लिए बहुत अच्छा है, जिसका हीमोग्लोबिन कम है उसके लिए बहुत अच्छा है, मतलब ऑल इन ऑल हर कोई बंदा इसमें पी सकता है। ठीक है, इस तरह से इसको पतले पतले हम स्लाइसिस करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं, बहुत आसान है फ्रेंड्स। ये तो मुझे लगता है इवन बच्चा भी बना सकता है। इसको थोड़ा सा हम आधा कर लेते हैं और इस तरह से हम पतली पतली स्लाइसिस कर लेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, इस तरह से गाजरों को हमने काट लेना है। ठीक है, ये देखिए इसमें कितना कालापन है, ये देखिए कितना आयरन है, मेरे हाथ कैसे हो गए, और देखो अगर ये बॉडी में जाए तो क्या असर करेगा। ठीक है, अब क्या करना है, फटाफट से एक जादू देखते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स एक जग लेंगे, जब भी कांजी बनानी है फ्रेंड्स, या तो उसको चीनी वाले बर्तन में या फिर इस तरह से गिलास वाले में, कभी भी स्टील के जग में नहीं बनाना। ठीक है, इसमें हम सारी डालेंगे अपनी ये गाजर, लो जी, और इसमें मैं डालूंगी 1 लीटर पानी, फ्रेश वाटर। ये हो गया आधा लीटर, और आधा लीटर और डालते हैं, ये रहा आधा लीटर पानी, और बस बनने वाली है हमारी काली गाजर की कांजी। इसमें मैं डालूंगी टेबल स्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून नॉर्मल जो नमक होता है घर पे हम जो यूज करते हैं, और 2 टेबल स्पून राई का पाउडर, बाजार में इसलिए मिल जाता है फ्रेंड्स खटाई देने के लिए। ये रहा 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून, इसको फटाफट से हम स्टर करेंगे और रेडी हो जाएगी हमारी कांजी। देख, मिनटों का काम है ये, तो चाहे आप किसी बच्चे को भी दे दो ना, वो भी बना लेगा बैठा बैठा। अब इस जग को रख दो धूप में 2-3 दिन के लिए, और फिर इसको डेली 1-1 गिलास करके पियो, और घर वालों को भी पिलाओ। बहुत से लोग फ्रेंड्स इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मतलब डालते हैं, आप डाल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। ठीक है, वो तो फिर हो जाती है चीजें अपने टेस्ट के हिसाब से। हम इसको चाहते हैं एज ए प्रो डायबिटिक, मतलब क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक ड्रिंक के हिसाब से, वैसे हमने इसको पीना है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा हर चीज में टेस्ट नहीं देखना। तो फ्रेंड्स, इस जग को हम रख देंगे धूप में 1-2 दिन के लिए, और उसके बाद फिर इसको पियेंगे। तो रेडी होगी हमारी काली गाजर की कांजी, इसको जरूर पीजिएगा फ्रेंड्स, सर्दियों में इसको बहुत ही जरूरी है। होली आने वाली है और इन दिनों तो वैसे भी कांजी लोग बहुत ज्यादा पीते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा, बहुत 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 ईजी है। देखा, कुछ भी नहीं करना, गाजर ली, उसको काटा, पानी डाला और नमक डाल के साथ ही थोड़ा सा राई पाउडर डाला। बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे ऐसे ही कुछ ईजी रेसिपीज के साथ। टेक केयर।